सो हेलो गाइस, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर इंडियन ओएस। तो आज का टॉपिक है नेस्ट सर्वर। नेस्ट सर्वर की मतलब क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज का यूज है अपने प्राइवेट डेटा को सेव रखना, वो भी परमानेंटली, जब तक जिंदा है तब तक। अब बराबर, या क्लाउड स्टोरेज जिसे भी बोले, अगर गूगल क्लाउड हो गया और वन ड्राइव हो गया, गूगल ड्राइव हो गया, जो भी जितने भी ड्राइव है वो सिस्टम, और जो मेरा जो टॉपिक है वो सिस्टम सेम है। बट डिफरेंस इज के जो मेरा जो टॉपिक है नेस्ट सर्वर, वो खुद का क्लाउड सिस्टम हुआ। ना तो उसमें गूगल ड्राइव की जरूरत है, ना तो उसमें वन ड्राइव की जरूरत है, ना तो उसमें ड्रॉपबॉक्स की जरूरत है। इसमें जरूरत है कि खुद का सर्वर, खुद का सिस्टम, खुद का इंटरनेट, खुद का ऐप, सब कुछ खुद का। किसी पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है। नेट गया कोई बात नहीं, रिचार्ज की कोई जरूरत नहीं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, लाइफ टाइम वर्किंग। हम बात करेंगे नेस्ट सर्वर के बारे में, क्लाउड सिस्टम का। काफी सारी कंपनी है जो क्लाउड सिस्टम प्रोवाइड करती है, जैसे कि गूगल ड्राइव हो गया, नेट, और दूसरी जो नेस्ट सर्वर प्रोवाइड करती है वो है वेस्टर्न डिजिटल हो गया, साइनेकोलॉजी हो गया, उसके बाद एसुस हो गया, क्यूनैप हो गया, काफी सारी है जो प्रोवाइड करती है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आज हम बात करने वाले वेस्टर्न डिजिटल के क्लाउड सर्वर के बारे में, जो मैंने मंगाया है क्रोमा से। तो आज हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, और इसकी मैं वीडियो बनाऊंगा काफी, मतलब समझो ना, पार्ट्स कितने होंगे मुझे मालूम नहीं, पर जितना हो सका इसकी आपको मैं एकदम डीप जानकारी दूंगा। तो प्लीज वीडियो के साथ बने रहिएगा। अगर आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो लाइक करना, और मेरी जितनी भी है उसको आप देखना, काफी बढ़िया वीडियो बनी है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, चलो इसे अभी फटाफट से ओपन कर लेते हैं। इसका नाम है माई क्लाउड EX2 अल्ट्रा 2-बे डिस्कलेस 0 TB। इसकी पैकिंग तो काफी बढ़िया है। चलो अब इसकी ये ऊपर की, तो पहले है ये हेलो मी प्राइवेट क्लाउड, ये इसका कुछ सेटअप का सिस्टम दिया हुआ है, इसको बाद में देखेंगे। इसके साथ दिया हुआ है फ्लेक्स सर्वर, फ्री 3 मंथ फ्लेक्स पास टू यूज विद योर वेस्टर्न डिजिटल ड्राइव। और अंदर है हमारा मेन जादू, उसे तो फेंक दिया, इसे तो फेंकेंगे नहीं। क्या पैकिंग है बॉस, जोरदार। इसका हार्ड ड्राइव सेट करने का है, इसका एडप्टर का वायर या इंटरनेट का वायर है। मैं तो रिकमेंड करूंगा जब भी आप ये डिवाइस यूज करो तो इसी का वायर यूज करना, काफी तगड़ा वायर है। और उसके बाद आ गया इसका खत, जिसमें इसके बारे में कुछ लिखा गया, यूजर मैनुअल। इसके पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं वीडियो आपको इतनी इन्फॉर्मेटिव दूंगा कि आप आराम से इसे सीख जाएंगे। ये है इसका एडाप्टर। तो चलिए, अनबॉक्सिंग तो पूरी हो गई, अभी मैं आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देता हूँ। अच्छे से तो अनबॉक्सिंग करनी नहीं आती, फिर भी मैं कर तो लेता हूँ थोड़ा बहुत। सो ये है माई क्लाउड EX2 अल्ट्रा डिस्कलेस, और ये है इसका इनर पार्ट जिसके अंदर डालनी होती है हार्ड डिस्क। मैं भी वो भी बताऊंगा हार्ड डिस्क का कैसे डाला जाता है। और ये है इसका लॉक, इसे हार्ड डिस्क को लॉक करना है। यहाँ से इसको बटन दबाएंगे तो ये भी बंद हो जाएगा। दूसरा है इसके 2 USB पोर्ट्स, ये मेरे हिसाब से 3.0 है, इथरनेट पोर्ट और ये पावर पोर्ट 12 वोल्ट का। ये क्या चीज़ है कि इसके अंदर आप लैपटॉप की हार्ड डिस्क भी डाल सकते हैं और ये डेस्कटॉप की हार्ड डिस्क भी डाल सकते हैं। इसके मेन टू मेन कैपेसिटी है इसकी 24 TB, और इसका 2x2 के सेट में जाएगा। जैसे आपको इसमें 2 TB डालने हो तो 1 TB इधर, 1 TB इधर, 4 TB डालने तो 2 TB इधर, 2 TB इधर, 8 TB डालने तो 4 TB इधर, 4 TB इधर। इसमें कहा जाता है कि जो वेस्टर्न डिजिटल की एक नेक्स्ट ड्राइव आती है रेड कलर की आती है, आप उसे ही चूज करें, पर चलता है। मैं भी काफी सारी अलग अलग टाइप की हार्ड डिस्क यूज करता हूं। जरूरी नहीं है कि आपको वेस्टर्न डिजिटल की यूज करनी है, आप सीगेट की भी यूज कर सकते हो, वेस्टर्न डिजिटल की भी यूज कर सकते हो, और भी कोई कंपनी की ट्रांसपेरेंट की भी यूज कर सकते हो, पर वो रिकमेंडेड है। पर पता नहीं क्यों मुझे तो अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 2-3 साल से यूज कर रहा हूं। तो हाल फिलहाल मैं अभी आपको बताऊंगा इसके अंदर ये ड्राइव कैसे इंसर्ट की जाती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, एक हार्ड ड्राइव यहाँ डाली जाती है और एक हार्ड ड्राइव यहाँ डाली जाती है। तो सबसे पहले इसके साथ एक वेस्टर्न डिजिटल के साथ ये एक चीज़ आती है जिसको हार्ड ड्राइव के अंदर लगाना होता है। तो सबसे पहले इसको हार्ड ड्राइव के अंदर लगाएंगे, इसके साथ ये दो, क्या मालूम इसे क्या बोलते हैं, मेरे हिसाब से इसको हार्ड ड्राइव को उठाने के लिए काम आता है। और ये इसके 4 स्क्रूज। और तो चलिए अभी मैं आपको इसको एक हार्ड डिस्क लगाना बता देता हूँ। तो सबसे पहले इसको मुझे ये इधर ऐसे लगाना है, ऐसे लगाने के बाद एक स्क्रू मुझे यहाँ फिट करना है। आराम से कीजिएगा, कोई अपने उतावल नहीं है।
चलो इतना फिट हो गया, चलो मशीन से कर देता, बस इतना ही आएगा अंदर। इससे ज़्यादा ये जान सकते क्योंकि इसको इसका जो है एक स्टैंड है वहाँ पे, इसको हटाना भी है और दूसरा मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, इसको भी कर देता हूँ फिट। चलो ये भी फिट हो गया, अब इसे डालूंगा मैं सेकेंड वाले सेट पे, से कुछ धीरे 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 डालना है। इसको इंसर्ट कर दिया और दूसरी मैं डालूंगा ये वाली हार्ड ड्राइव। इसको डालने में मुझे थोड़ा टाइम जाएगा तो इसको मैं अभी शूट नहीं कर सकता आपके सामने। सो गाइस, हार्ड डिस्क इंस्टॉलेशन तो पूरा हो चुका है, ये मैंने इसके साइड में ये पैकिंग मारी है ताकि कि ये हार्ड ड्राइव लैपटॉप की है वही हिले नहीं, और ये जो है ये डेस्कटॉप की है। तो चलिए अभी मैं आपको इसे शुरू करके दिखाता हूँ। यहाँ से हमें क्या करेंगे, इसे लॉक, और यहाँ से इसका डालना है पावर केबल अंदर, और यहाँ से करेंगे यहाँ पे इसे इंसर्ट कर दिया। अभी हम लगाएंगे ये इथरनेट केबल, तो चलिए अभी इसे खोल देते। एक डालेंगे इधर और एक डालेंगे इधर, जैसे इसमें डालेंगे वैसे इसमें दो लाइट होनी शुरू हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें मैंने दो हार्ड डिस्क डाली है, तो मतलब दो हार्ड डिस्क हो गई। तो इसके अंदर यहाँ पे जो है ये है पावर लाइट, ये ब्लिंक हो रही, मतलब अभी सिस्टम बूट अप हो रहा है, और ये वन पे लाइट आ गई, टू पे लाइट आ गई, मतलब आधा वे ये जो इसने एक्सेप्ट कर लिया। दोस्तों ये था इसका इंट्रो एंड अनबॉक्सिंग। अब जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो होगा इसको कॉन्फ़िगरेशन करना। मैं इसको पार्ट बाय पार्ट हो सका तो आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, वरना एक साथ पूरी वीडियो बना लूंगा, और एक साथ वीडियो बनाए तो आपको समझ नहीं आएगा, काफ़ी लंबी वीडियो बनेगी। तो गाइज एक छोटी सी चीज़ बतानी थी आपको कि ये दोनों जो रेड हो चुके हैं, ये रेड होने का मतलब अभी तक इसको कॉन्फ़िगरेशन पूरा करना बाकी है। जब ये कॉन्फ़िगर पूरा हो जाएगा उसके बाद ये दोनों ब्लू हो जाएंगे। तो इसका जो फादर बोल रहा था वो है ये माई क्लाउड EX4100, मतलब 4 बे, 1, 2, 3, 4। इसके अंदर ओनली डेस्कटॉप हार्ड डिस्क ही जा सकती है, इसके अलावा कोई हार्ड डिस्क नहीं जा सकती। ये ऑलरेडी मैंने अंदर दो तीन हार्ड डिस्क, तीन हार्ड डिस्क डाल चुका हूँ मैं इसमें, इसमें टोटल 8 TB की कैपेसिटी हो चुकी है। यहाँ पे मैं चाहूँ तो अभी एक और हार्ड डिस्क डाल सकता हूँ, तो पर ये मैं नहीं डालूंगा, ये डालूंगा तो पूरा का पूरा मेरा डेटा पूरा करप्ट हो जाएगा। इसमें आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, कभी भी अगर आपके डेटा ये पूरा सॉफ्टवेयर सिस्टम रनिंग में हो तो प्लीज़ सेकंड हार्ड डिस्क निकालने की और डालने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर आपने किया तो आपका जितना भी डेटा है सबका सब इसमें से वाइप आउट हो जाएगा और आपका डेटा सारा निकल जाएगा। कभी भी बैकअप लेना इसका, फिर ही आप इसके अंदर डेटा डालिएगा। इसकी एक स्मार्ट टेक्नोलॉजी ये है, अगर आप कोई भी हार्ड ड्राइव डालते हो तो ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। अगर ये समझो इसमें रनिंग में अगर हार्ड ड्राइव खराब होती है तो आपको इसमें नोटिफिकेशन आ जाएगा, प्लीज़ चेंज योर ड्राइव, तो ड्राइव हैज़ बीन करप्टेड, पर आपका डेटा नहीं उड़ेगा। सो प्लीज़ मेरा एक ही चीज़ कहना है कि आप इसका भी बैकअप रखें, नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, मैं तो हर चीज़ का बैकअप रखता हूँ। सो ये है मेरा बैकअप डेटा।